दरभंगा जिले में एक दिन बीच कर 2 बजे तक खुलेगी दुकानें। राज्य सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन में दी गई ढील को जिला स्तर पर लागू करने के लिए मंगलवार को समाहरणालय में डीएमओ एसएसपी ने संयुक्त बैठक की। इसमें डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले की सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को एक दिन बीच कर सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खोलने के लिए निर्देश जारी किए। इसके अनुसार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कपड़े और रेडीमेड वस्त्र की दुकानें, बर्तन की दुकानें, सोना चांदी की दुकानें, स्पोर्ट्स व खेलकूद सामग्री की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, जूता चप्पल की दुकानें, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फाइटिंग, लोहा, सेटरिंग सामग्री एवं अन्य सभी दुकानें जो किसी सूची में ना हो खुलेगी। वहीं मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलने वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रिकल सामान जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी, सैलून पार्लर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विस सेंटर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल स्टाइल एवं ट्यूब रूब्रिकेंट, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, साइकिल, साइकिल मरम्मत की दुकान, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी एवं सौंदर्य प्रसाधन की दुकान को शामिल किया गया है। लॉकडाउन के नियमों में बदलाव को लेकर एसएसपी बाबू राम ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर व सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो नियम में बदलाव किए गए हैं उन प्रावधानों को कड़ाई से लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी फील्ड में रहकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। दुकानों को गलत रूप से खोलने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी एवं दुकान को सील भी किया जाएगा। बिना मास्क के अथवा बिना उचित कारण के रोड पर पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बल्कि सरकारी अधिकारी के आदेश के उल्लंघन के आरोप में यथा एमपी एक्ट के सुसंगत धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह में बिना थाना को सूचना दिए कार्यक्रम करने अथवा 20 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।